नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का लास्ट राउंड यानी स्ट्रे राउंड जो कि कल लास्ट डेट थी चॉइस फिलिंग की, इसका रिजल्ट जो है आज रिलीज़ कर दिया गया। आप सभी के लिए बिगेस्ट अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो रिज़ल्ट है वो वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है। जो स्ट्रे राउंड की जो रिजल्ट जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपको वेबसाइट पर दिख जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रे राउंड रिजल्ट 24-25, ये आपके लिए अवेलेबल है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पर डाल दूँगा, ठीक है। अब इसका जो रिज़ल्ट है वैसे तो आना चाहिए था कल यानी 28 को, ऑफिशियल जो डेट थी वो कल की थी, लेकिन क्योंकि कल से रिपोर्टिंग स्टार्ट होने वाली है और काफ़ी कम समय स्टूडेंट के पास होगा रिपोर्टिंग करने के लिए, इसलिए इसको आज जो है एक दिन पहले रिलीज़ कर दिया गया है। 27 सितंबर को रिलीज़ कर दिया गया है। अब इसको कैसे आप चेक करेंगे, इसको आप जो है डाउनलोड करेंगे, मेरे पास डाउनलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है। बात करेंगे क्या कट ऑफ रहा है इसके बारे में और लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था, इसको देखते हुए कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इस तरह से लिस्ट होगी जहाँ पर आप अपनी ऑल इंडिया रैंक से कौन सा आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अलॉटेड कैटेगरी कौन सी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट इस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई गया है, ठीक है। इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आज तक के जितने भी VCA काउंसलिंग हुई है ना, उसका सबसे हाईएस्ट इस बार कट ऑफ गया है। कट ऑफ कितना कितना गया है सारी कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊँगा, कितनी ऑल इंडिया रैंक पर कौन सा कॉलेज लास्ट अलॉट हुआ है और कितने मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हुआ है, कितने मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ बात करेंगे। और लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन वेटनरी काउंसलिंग रिगार्डिंग मैं लगातार यहाँ पर आगे देता रहूँगा। जो है नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वेटनरी के एडमिशन के रिगार्डिंग वो यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कट ऑफ काफ़ी हाई गया है इस बार 2024 का। क्या कट ऑफ गया है कैटेगरी वाइज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनरिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों 87,528 इतनी ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट कॉलेज नागालैंड कॉलेज लोट हुआ है। अगर मार्क्स की मैं बात करूं तो 591 यहां पर कट ऑफ गया है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर गया है, अब तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है इस बार, ठीक है। वेटनरी में इतने कट ऑफ हाई जाती नहीं थी, इस बार काफ़ी हाई गई है। हालांकि अगर देखें स्ट्रे राउंड में लास्ट ईयर कंपेरिजन में, पिछली बार 76 सीटें थी स्ट्रे राउंड में और इस बार 224 सीट होने के बावजूद भी कट ऑफ डाउन नहीं गया बिल्कुल भी। काफ़ी लेवल पे बच्चों ने सीट जो है ले ली है। इसका भी कारण है क्योंकि इसका जो शेड्यूल था VCA का वो इस तरह से था कि काफ़ी सारे स्टेट में वेटनरी काउंसलिंग अभी चल रही है या फिर अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो स्टूडेंट ने ऑल इंडिया से कॉलेज ले लिया है। अभी उनके स्टेट में उनको मिलेगा तो हो सकता है ये सीटें छोड़ करके वो स्टेट में चले जाएं, लेकिन ये जो सीटों का नुकसान होगा वो तो वैकेंट रह जाएगी आगे के लिए, और जो कैंडिडेट थे उनको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जो लो रैंक वाले कॉलेज जो कैंडिडेट्स थे उनको नहीं मिल पाएगा। तो ये थोड़ा बड़ा फैक्टर था इस बार का, क्योंकि VCA ने जो शेड्यूल बनाया वो बिल्कुल ही इस बार क्या कह रहे हैं कि बिना सोच समझ के जो है शेड्यूल बनाया गया है। ना तो उन्होंने ध्यान रखा कि MBBS की काउंसलिंग चल रही है, ना इन्होंने ध्यान रखा BAMS की काउंसलिंग चल रही है इसको, और स्टेट में भी काफ़ी सारे स्टेट में भी अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उसको देखते हुए उनको भी शेड्यूल बनाना चाहिए था, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं की गई, ठीक है। तो अब जो भी है ये लास्ट राउंड था और इसके बाद VCA काउंसलिंग ओवर हो चुकी है। अभी जिन भी कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है वो सभी लोग रिपोर्ट करेंगे 30 सितंबर शाम को 4 बजे तक। आप अपने कॉलेज में रिपोर्ट कीजिए, आपके पास काफ़ी कम समय है, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट कीजिए और नोडल ऑफिसर से बात जरूर से कर लीजिएगा। अपने जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसके नोडल ऑफिसर से आप बात कर लें। नेक्स्ट अपन कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी वाइज अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी का कट ऑफ देख लेते हैं। OBC कैटेगरी में दोस्तों कट ऑफ गया है 90,003 इतनी ऑल इंडिया रैंक पर, ये 90,003 है, ठीक है। तो 90,003 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट कॉलेज मिला है, नागालैंड का ही कॉलेज अलॉट हुआ है इनको भी। 589 यहाँ पर कट ऑफ कराया है, 589 आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ। मैं लास्ट ईयर का भी कट ऑफ आपको बताऊंगा कितना गया था स्ट्रे राउंड में, इस बार कितना गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 589 मार्क्स पर लास्ट कॉलेज लुट हुआ है OBC कैटेगरी में ऑल इंडिया के थ्रू। बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी की। EWS कैटेगरी का कट ऑफ देख लेते हैं। EWS में जो है 1,14,900 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट कॉलेज लुट हुआ है श्रीनगर कॉलेज, जम्मू एंड कश्मीर का। कश्मीर का जो है श्रीनगर कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। अगर बात करें मार्क्स की तो 568 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ गया है। लास्ट ईयर अगर EWS का देखें तो 2 लाख पार गया था कट ऑफ, इस बार 1,14,900 तक ही जो है कॉलेज
जो है ओवर हो चुके हैं, और यहाँ पर लास्ट कॉलेज 1,14,000 रुपये मिला है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी का कट ऑफ देख लेते हैं, 245,143, 245,000, 245,143, इतने ऑल इंडिया रैंक पर। लास्ट जो कॉलेज लूट हुआ है वो है सतारा कॉलेज, महाराष्ट्र का सतारा जो श्रीवल कॉलेज है वो आपको अलॉट हुआ है, श्रीवल में है। मार्क्स की बात कर रहे हैं 473 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ गया है एससी कैटेगरी में। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी का भी लास्ट अपन देख लेते हैं कट ऑफ कितना गया है स्ट्रे राउंड में, 297,973, इतनी ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट कॉलेज जुड़ा है। मार्क्स की अगर बात करें 441 मार्क्स वाइज यहाँ पर कट ऑफ गई है। लास्ट कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है इनको, इनको वेस्ट बंगाल का जो नदिया वाला कॉलेज है वो इनको अलॉट हुआ है एसटी कैटेगरी में। तो ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको कट ऑफ बताया, काफ़ी हाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट ईयर कितना गया था स्टे राउंड का, 1,28,000 गया था जनरल में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 2,01,030 गया था। अगर बात करें ओबीसी में तो 1,50,000 समथिंग गया था, 2,40,000 एससी में एंड 2,92,000, ये आप यहाँ पर लास्ट ईयर का कंपेरिजन देख सकते हैं 2023 का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ इस बार गया है। अब जिनको भी कॉलेज मिला है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको नहीं मिला है अभी स्टेट कोटा बाकी है आपके स्टेट का, तो उसमें ज़रूर से पार्टिसिपेट करें, हो सकता है आपको मिल जाए कॉलेज। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, ये मैंने आपको कट ऑफ बताया कंप्लीट इस बार स्टेट राउंड का, इसी के साथ में वीसीए काउंसलिंग कंप्लीट होती है, और आगे जो कोई भी अपडेट आएगा मान लो किसी स्टेट में स्टार्ट होती है वो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, और जो भी नीट काउंसलिंग रिगार्डिंग अपडेट्स होंगे इन्फॉर्मेशन होंगे मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।